आज बुधवार का दिन तारीख और हम लोग सब पुराने छात्र अपने स्कूल में जहाँ से हम लोगों ने अपना 10th किया था, ये हमारे चंदन बाबू, बताइए कैसा लग रहा है आपको इतने दिन बाद, करीबन 18 साल बाद आ रहे हैं अपने स्कूल। बहुत अच्छा लग रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलिए। ज्यादा नहीं क्या बोला ये हमारे नरेंद्र बाबू जो अब नेता हो चुके हैं। निश्चित रूप से मैं धनंजय भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा। धनंजय भाई 2003 बैच के सब जो भी हमारे साथ भैया बहन थे उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश का काम किए हैं, सबको कोऑर्डिनेट करके इनके सौजन्य सब लोग विद्या मंदिर आया। विद्या मंदिर में बहुत बढ़िया विकास और बहुत सारे संख्या में अपनी फैमिली की अनुभूति हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आके सब लोग एक अपने परिवार के साथ मिलने का मौका मिला। विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप है, सब लोग मिलकर बड़ी खुश हुए। आपको सर कैसा लग रहा है हमारे गिरी भाई साहब को? गिरी बाबा के नाम से बेतिया में फेमस है ये। नमस्कार आप लोग को। सबसे पहले मैं धनंजय बाबू नरेंद्र त्रिपाठी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके बुलावे से मैं 18 साल बाद इस स्कूल में आया हूँ। यहाँ के दृश्य देख के मन को खुशी हुई कि पहले बहुत छोटा स्कूल था, बहुत बड़ा हो चुका है। आप रुपेश बाबू कैसा लग रहा है आपको? आप भी करीबन 17 साल बाद आ रहे हैं। करीबन 17 साल बाद 2003 से जब पास आउट हुआ उसके बाद पहली बार आने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा अपने पुराने पुराने दोस्तों से मिलकर। बस राहुल भाई देखिए हमारे एक राहुल भाई पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है राहुल बाबू आपको? बहुत बहुत। कितने साल बाद आप आ रहे हैं स्कूल में? लगभग 17 साल बाद। यहाँ जितने भी मैक्सिमम लोग हैं अपने बैच के सब लोग 17 साल बाद आ रहे हैं इंक्लूडिंग मी। देखिए हमारे अखिलेश बाबू से स्टार्ट करते हैं। कैसा लग रहा है अखिलेश बाबू आप आए हैं? बढ़िया लगा हमको भी। अभी हम स्कूल का टूर कराएंगे आपको। हमारा स्कूल अब कैसा दिख रहा है, पहले कैसा दिखता था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब कैसा दिख रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। मंजीत बाबू कैसा लग रहा है भाई साहब, आप कितने दिन बाद आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग 17 साल बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज पूर्व छात्र सम्मेलन में हम लोग आए हुए थे और अपने पुराने मित्रों से भी बात भेंट हुई, बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और स्कूल का नक्शा कदम देख ज्वाला भाई साहब इन्होंने बहुत प्रेरित किया यहाँ आने के लिए। और ज्वाला भाई साहब आप कितने दिनों बाद यहाँ स्कूल में आ रहे हैं? आप तो आते रहते हैं और हम सबको आपने प्रेरित किया यहाँ आने के लिए। आपको कैसा लग रहा है जितने दिनों बाद हम लोग यहाँ पे आए? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे तो लगता है कि विद्यालय में मैं बराबर आता हूँ लेकिन जब आता हूँ ऐसा एहसास होता है कि कल ही विद्यालय आया था, कल ही यहाँ से पढ़ के निकला। तो इस तरह की एक पुरानी जो तरोताजगी है वो पुनः याद उसका आता है, स्मरण में आती है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अभी कल ही यहाँ से पढ़ कर हम निकले हैं और हम सब आज सब लोग सामूहिक रूप से आए हैं, ये सब हम लोग से मिल के रुपेश भाई हैं, एक ही बेंच पे हम लोग बैठे थे, एक ही सेक्शन था। ज्वाला भाई हैं हमारे बचपन के हमारे मित्र हैं और हम सब लोग यहाँ पर अभी इस समय में उपस्थित हुए हैं। जरा आप लोग सब लोग आइए ना एक साथ, एक फोटो भी हो जाए। आइए चंदन जी, ये जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पे सब 2003 बैच के हैं। यहाँ पे 2003 बैच के बाद शायद ही बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बार बार इस स्कूल में आए। और इधर भी आइए, इन लोग का भी ले लीजिए। हाँ भैया कुछ चैनल वाले आए हैं, आप लोग भी आइए, चलिए आपको चैनल वाला बना देता है। आओ थोड़ा सा घुमा दी। ये अब हम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए हम अब आपको लेके चलते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में। यह स्कूल जो है 1 से 5वें छात्र के बच्चों के लिए है और यहाँ पे बचपन से भी यहाँ पे हमारे कुछ ग्रुप के बच्चे हैं जो आज इतने दिनों बाद यहाँ पे उपस्थित हुए। आइए ज्वाला जी आइए ना, थोड़ा सा शिशु मंदिर भी कुछ डेवलप हो गया है यहाँ पे स्कूल समिति में। काफी कुछ लेकिन डेवलप हो गया ज्वाला भाई। अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा रहा सब लोग आए और अपने बैच से भी हमको लग रहा 10 संख्या हो गई। सरस्वती शिशु मंदिर है, बच्चा सब खेलने वाला है। सामने वहाँ पेड़ों के उस तरफ सरस्वती विद्या मंदिर,
हमारे ज्वाला भाई अपने प्रवास इधर आ गया उधर से सब चीज अपने अंदर शिशु मंदिर का कार्यालय इधर हो गया, ये मेन गेट है और यहाँ पे अब छात्रावास हो चुका है। पहले यही गेट मेन हुआ करता था, अब ये मेन नहीं है। और ये इस तरीके से महर्षि वाल्मीकि छात्रावास, अच्छा ये अब हॉस्टल हो चुका है, खाली था पहले इसमें बहुत लगते थे, हॉस्टल हो चुका है। बहुत अच्छा सा सजा हुआ था, और भी कुछ कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, पहले बच्चा सब ना बाथरूम बाथरूम सजा था, हां हां हुआ कि पूरा ही यहां पे टॉयलेट बन चुका है। इधर भी अभी ये मेन गेट बंद है, उधर से मेन गेट हो गया, बस यहां पे अच्छा अच्छा यहाँ सजावट हुई है हम लोगों के लिए आज। देखिए अर्चना दीदी भी मिल गई हैं जी, नमस्ते, कैसे हैं, ठीक हैं, आप लोग तो थे ही वहाँ, ओह बहुत बढ़िया, फिर 3 बजे के लिए यहाँ प्रतीक्षा रहेंगे, हुआ थोड़ा घूम लिया जाए, बंद है कि सब खुला है, बंद है। ये शिशु मंदिर के पद्माचार का कार्यालय है, रामेश्वर गुरु जी का कक्ष है, धानाचार्य जी का, हम लोग समय कार्यालय हो जाता है। फिर अखिलेश भाई याद बा मक्का का कर पाछे हुई रहे, शुरू शुरू का तो ये क्लास है, क्लास और वही मक्का क्लास और शुरू का क्लास है, बड़ा केंद्र था, हां संगर केंद्र, हां पहले कमाल हो रहा है, बाद में कंप्यूटर बना इसमें, हम लोग का दो क्लास तो उसी में बीत गया था, साइकिल लेक्चर में क्लास बीत गया था। देखिए सब नामकरण ये सब उस समय से ही बना है, आज तक है कुछ आज तक है, शिशु मंदिर भरत वो जो दांत गिनता हुआ वो सब फोटो सब है, तो बहुत पुराना बात हो गया ये सब, बता पहले सब कक्षा है कुछ यहाँ प्रार्थना हुआ करता था, इधर दरी बिछाया जाता था, भूमिदाता का नाम है, इधर देखिए भूमिदाता लोग का भी जिंदा रखिए भैया, कहे बढ़ रहे हैं इन लोग का भी नाम, ये लोग इतने लोग दान दिए थे और शेष जमीन यहाँ मिलती गई लिया गया, अभी भी 1.5-2 कट्ठा जमीन मेन रोड उधर लिया गया है गेट के पास, अब जमीन ऐसे रुकवा देना, अभी इधर दिखाते हैं गौशाला का भी योजना बना रहे हैं लोग, बहुत जमीन हो गया है, पीछे भी बहुत दूर तक जमीन आ गई, आपको दिखाई पीछे भी नदी था, नदी तक हम लोग का जमीन पहुँच गया है, तो भी प्रयास कर रहे हैं लोग कुछ, उसमें 20-25 गाय रखा जाए, उसी से जो दूध है तो छात्रावास में उससे काम चल रहा है, दूध खरीदने की आवश्यकता ना आवश्यकता ना पड़े, इसी के ऊपर पद्माचार कक्ष है, बहुत बढ़िया बना हुआ अभी दिखा रहा है, यहाँ सब कुछ स्टोर स्टोर रूम बने हैं छोटे छोटे, इसमें कुछ बाहर के लिए है, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया यहाँ पे, इतना नजदीक से कहाँ देख पाए थे हम लोग कभी, तंत्र जैसा इस विद्यालय का 15 करोड़ सालाना बजट है, ये आप लोगों को नहीं जानकारी होगी, मैं तो समिति में हूँ तो मुझे ध्यान है, मैंने विद्यालय वो हम लोग वाला नहीं रहा कि दलदानी 2 रुपया लिया हुआ 10 रुपया का, हाँ विद्यालय का सामर्थ्य बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा ही है, थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है, ये सब ली गई थी, क्या बात है, ये अलग से लिया गया हम लोगों का, राइट, इसमें यहाँ पहले नहीं थे, गेट खुला जा सकता है, अरे वाह, इतनी फील्ड ये अलग से ली गई है, गौशाला इत्यादि बनाया जा सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, मुझे लग रहा है 1.5 एकड़ से कम नहीं होगा, और ये गेट भी है इसके जस्ट बगल में रोड है, यही दोनों प्रधानाचार्य आवास है, प्रधानाचार्य आवास, आइए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं, ये प्रधानाचार्य जी का कक्ष है, वाह बहुत बढ़िया, ये विद्यालय विद्यालय की तरफ से प्रधानाचार्य को अलॉट किया जाता है, यहाँ के ये दो कक्ष है दोनों प्रधानाचार्य जी के लिए, ये 3 अधिकारी कक्ष बना हुआ है, आइए जैसे ये देखिए इसमें अधिकारी लोग के लिए है,
बहुत बढ़िया रंग ले जा रहा हूं मैं खुशी। हां अरे नहीं नहीं ये तो वो हमने अधिकारी आते हैं जैसा भी नहीं गए हैं संगठन मंत्री। हां वो लोग इसी में रुकते हैं इसमें भी व्यवस्था है सब बाथरूम अटैच है तो अपनी योजना में भी हर कोई आता है उसके लिए यहाँ व्यवस्था है लेकिन लोगों को पता नहीं है। अपना भी पूर्व छात्र आ रहा है बाहर रहता है हर नहीं है कोई आएगा वहाँ रहेगा समझ रहे हैं सब कुछ खुला है यहाँ। और आप ठीक है खुला है बंद है बंद कर दीजिएगा सर बस खाली इसे देख लेते हैं देखिए सब बहुत बढ़िया सुविधा काफी अच्छा बिल्कुल फ्लैट की तरह जैसे किसी बड़े अपार्टमेंट में होता है। ये एंट्री पॉइंट हो चुका है बहुत ही बड़ा एंट्री पॉइंट है वहाँ पे सारी पार्किंग वार्किंग सब उधर ही है। ये संस्कृत ये बसों की पार्किंग है संस्कृत का कक्ष है संगीत के लिए भी और ये यहाँ का उद्यान उधर शिशु मंदिर है और ये जो सब कुछ देख रहे हैं ये बिल्डिंग ये विद्या मंदिर का हमारे परिसर का आइए चलते हैं। I have almost recorded everything. विद्या मंदिर के ये सब सारे के सारे क्लासेस थे हमारे अब ये 6th, 7th, 8th इसमें कन्वर्ट हो गया आज भी कुछ ऐसा ही दिखता है जैसे आज से 17-18 साल पहले दिखता था। ऐसे सामने शिशु मंदिर और ये विद्या मंदिर यहाँ 5वीं के बाद 6ठी क्लास ये क्लासेस चालू होते हैं। इसके ऊपर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर लैब्स हैं ये हमारे कुछ पुराने गुरु जी लोग अभी ये कार्यालय है वीरेंद्र कुमार मेहता जी प्रेजेंट प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के हमारे गुरु जी। हाँ ठीक ये हमारे आचार्य और कक्ष अब कुछ ऐसा दिखता है काफ़ी फैसिलिटीज पढ़ा दी गई हैं पहले से प्रसाधन टॉयलेट लेट्री। अभी हम लोग संगीत कक्ष की तरफ बढ़ते हुए ऐसा कुछ बना दिया गया आ गए भैया आ गए ज्वाला भाई आतुर रहते हैं यहाँ कोई संगीत कक्ष बना हुआ है वहाँ हम लोग जा रहे हैं मज़ा आ गया यार स्कूल देखे ये अब एंट्री पॉइंट हो चुकी है अब आप आएंगे यहाँ पे ऐसे स्कूल में तो ये एंट्री पॉइंट होगी और ये संगीत कक्ष अभी हम जहाँ जा रहे हैं ज्वाला भाई व्यवस्थापक हैं व्यवस्थापकों में से एक हैं। अरे कुछ बात है कुछ चीज़ें सब देख लीजिए तो बाहर अभी चल के कर लीजिएगा। अरे वाह अरे वाह देख लीजिए फिर भी ऐसे क्या जी अपने समय में था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था 2003 में ये अपने यहाँ का संगीत कक्ष है यहाँ के प्रभारी हैं श्रीमान राजेश मिश्र जी हॉल हुआ करता था यहाँ क्लासरूम था यहाँ हम लोग पढ़े हैं इस हम लोग पढ़े एलएसएस का एक हॉल था उसमें लोग क्लास होता था नहीं तो कभी नाटक इत्यादि यहीं पे हम संस्कृत के गुरुजी तो आप यहाँ सब कुछ देख रेख आप करते हैं। ये अब हम लोग का सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के कॉन्फ्रेंस रूम में सब चीज़ें पहले थी नहीं अब देखिए जरा ऐसे वाओ दिस इज जस्ट वाओ बहुत सुंदर अद्भुत सब चीज़ें कहाँ थी पहले सब बन गया कॉन्फ्रेंस रूम इतना लंबा इतना सुंदर कॉन्फ्रेंस रूम हमारा हमारे विद्यालय का। गुरु जी और ऊपर कुछ है नहीं नाम है
इस वीडियो को करीबन 500-600 लोग एंटायर मतलब इंक्लूडिंग मतलब इंटरनेशनली देखेंगे गुरुजी। अरे वाह, ये जिम बना दिया है गुरुजी आपने, जिमनेजियम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस चीज़ की तो अपेक्षा ही नहीं करी थी हमने कि यहाँ पे जिम भी हो सकता है। वाह, मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ लगा हुआ है, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। किसी बड़े जिम से कम नहीं है ये, सारी फैसिलिटीज़ ये टेबल टेनिस खेलने के लिए। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर, वाह। और गुरुजी ऊपर इसके ऊपर, अच्छा अच्छा नहीं, काफ़ी कुछ बन गया, हम 17 साल बाद खुद ही आ रहे हैं। हाँ, एक बन रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। अच्छा अच्छा, ये इधर देखिए बहुत लंबा बना हुआ है, 16,000 स्क्वायर फीट में। गुरुजी आप अपना नाम बताइए और बताइए यहाँ कितने सालों से हैं, और इस स्कूल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप दीजिए। मेरा नाम इंदु भूषण झा है जी, और मैं इस विद्यालय में तो अभी इसी साल 29 अगस्त से हूँ, लेकिन इस योजना में मैं पिछले 10 साल से हूँ। अच्छा, पीछे विश्वास से 10 सालों से विद्या भारती से जुड़े हुए हैं जी जी, और संघ से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए विद्या भारती से भी जुड़ना और संघ से जुड़ना एक मेरे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी आप? मेरा नाम काशी कुमार सिंह जी, मैं इस योजना में अप्रैल 2004, मैं पहले राजदेवड़ी में आचार्य था, फिर यहाँ वर्ष 2008 में इस विद्यालय में मेरा योगदान हुआ, और उसके पूर्व इस विद्यालय को मैं 89 में देखा था जी। जब विद्यालय का शुभारंभ हुआ था अभी फूस की झोंपड़ी में जी जी। और उस समय हम लोग हाल में बीएड करके आए थे कंपटीशन से, मन में यह भावना थी कि ये तो फूस का विद्यालय, कौन इसमें जाए सेवा करने, लेकिन आज वह बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन आज वह स्थिति जो है बदल चुकी है जी जी। आज उसी विद्यालय में हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। धन्यवाद। आप अपने शैलेंद्र कुमार झा जी, मैं इस विद्यालय में 2000 हमारे विज्ञान के टीचर हैं, 2003 बैच में हम लोगों को उत्तीर्ण कराने वाले यही लोग हैं, इन्हीं तीनों का हाथ है इसमें। आज हम लोग जो कुछ भी हैं, ज्वाला जी, मैं या कोई भी जो कुछ भी है, गुरु जी लोगों की वजह से, सब इन्हीं लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है कि आज हम लोग जो भी हैं, सब कुछ, सारे क्रेडिट सिर्फ इन्हीं लोगों को जाता है, माता पिता और हमारे गुरुजनों को जी। गुरु जी बताए, 2017 जनवरी से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, उस समय से इस विद्यालय में लगातार विकास हो रहा है और विकास होगा। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी आप बताएं कुछ। मैं आचार्य योगेश्वर श्रीवास्तव 24 वर्षों से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। जब मैं आया था तो उधर शिशु मंदिर का भवन था और इधर विद्या मंदिर के भवन में ऊपर अभी बना नहीं था, बाद में धीरे धीरे सब बना और बच्चों की भी संख्या बढ़ी, इसमें आचार्य परिवार की भी संख्या बढ़ी, कई पीढ़ियाँ निकली, और अभी जो भैया बहन मिलते हैं, जो पूर्व छात्र मिलते हैं, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सब आशीर्वाद है गुरु जी। आप लोगों का, आप लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है, और हम लोगों के पीछे का मेहनत है गुरु जी, सबसे बड़ी बात ये है। ईश्वर की कृपा जैसे बरसती है, लेकिन जो उसको ले लेता है, वैसे ही गुरुजन और माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद, अदरवाइज हम लोग तो बैक बेंचर थे, कोई जानता नहीं हम लोगों को। किशोर गुरु जी कुछ आप भी बोलिए। मैं जय किशोर सिंह इस योजना में 1999 से जुड़ा, ऐसे इस विद्यालय की स्थापना 16 जनवरी 1989 को हुई थी। प्रारंभ में इस विद्यालय का उतना विकास नहीं हुआ, किंतु धीरे धीरे ये अपनी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को पार करते हुए आज यौवनावस्था को पहुंच चुका है। एक समय था कि इस विद्यालय में 50-60 भैया बहन थे, किंतु आज 2,500 भैया बहन हैं। हम लोग भी इस योजना में आने के बाद इस योजना को एक सेवा का भाव देते हुए सतत प्रयत्नशील रहे, आज भी इस योजना को अपनी संपूर्ण ऊर्जा देते हैं, भैया बहनों को
जो कुछ भी देना है जितना हम जानते हैं वह संपूर्ण उन्हें दे देना चाहते हैं, ताकि हमारे भैया बहन इस देश के एक सफल नागरिक बने और जीवन भर ऊंचाइयों को छूते रहें। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर और हमारे एक और रविशंकर जी आइए ना।
अरे थोड़ा सा सर नजदीक में रहिए, थोड़ा सा ग्रुप में। आपको पता है इनमें से किसी को कोरोना नहीं है, इसलिए कोरोना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जाँच करा के आए हैं कोरोना का। और हमारे नरेंद्र भाई इस विद्यालय के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप सब लोग उनके। 28 तारीख के दिन सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में एक पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जो भी पुराने विद्यार्थी विद्या मंदिर से पास आउट हुए हैं सब लोग एकत्रित हुए थे। हम लोग अभी वर्तमान में 8-10 जो लोग हैं विद्या मंदिर 2003 बैच के मैट्रिक पास आउट लोग हैं, जिसको मुख्य रूप से कोऑर्डिनेट धनंजय कुमार शर्मा ने किया। धनंजय भाई जो है हमेशा सब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, इसमें सब लोगों को कोऑर्डिनेट करके यहाँ विद्यालय प्रांगण में लेके आए। विद्यालय में आने के बाद एक बहुत ही बृहत जो है प्रोग्राम हुआ, जिस प्रोग्राम के तहत सब लोग को अपना बात रखने का मौका मिला और विद्यालय के विजन क्लियर किया गया कि विद्यालय को किस तरीके से हम लोग विकास कर सकते हैं और उस दिशा में क्या क्या मदद कर सकते हैं। इस दिशा में हम लोग सब लोग अपने एक दूसरे से विचार शेयर किए। उसके बाद हम लोग विद्यालय प्रांगण में भिन्न भिन्न जगह पर घूम के विद्यालय के क्या पहले से अब में क्या बदलाव हुआ है उसको हम लोग देखे, जिसमें हमने देखा क्या कि विद्यालय का भवन जो बहुत ही ज़बरदस्त उमदा किस्म का भवन बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट में विशेषकर मैं संगीत कक्ष पे को देखा और बहुत ही प्रभावित हुआ। संगीत कक्ष जो है बेतिया में निश्चित रूप से सबसे प्रभावशाली संगीत कक्ष के रूप में है। इसमें भिन्न भिन्न तरह के वाद्य यंत्र हैं, जिस वाद्य यंत्र के माध्यम से बच्चे जो संगीत प्रेमी हैं, कला के जो प्रेमी लोग हैं, यहाँ जो बच्चे यहाँ आते हैं कला सीखते हैं, उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। विद्यालय का भवन बहुत ही उत्कृष्ट बना हुआ है, पूरा तरह तरह से विकास हुआ है, प्रांगण खेल का मैदान है, बगीचा है और भी सारा चीज़ जो है बहुत सिस्टमेटिक वेल डेकोरेटिव है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कम समय में इसको क्लोज करना चाहूँगा। इसमें जो 2003 बैच के आगे हम लोग क्या किस तरीके से प्लानिंग करें और हम लोग गेट टुगेदर का एक मौका भी हमेशा साल में एक दो करते रहे, इस विषय में भी चर्चा हुआ गुरु जी और अपने विद्यार्थी अपने बच्चों के साथ। हमारे बगल में परिचय क्रम में मैं जस्ट थोड़ा सा परिचय कर रहा हूँ, हमारे साथ जो लोग हैं ये हमारे भाई बंधु जो विद्यालय के चालक और उपचालक हैं। जस्ट हमारे बगल में शशि कुमार गिरी जी हैं, शहर के प्रमुख व्यवसायी हैं, व्यवसाय में इनका उत्कृष्ट स्थान है। मैं स्वयं नरेंद्र त्रिपाठी जो एक समाज के समाजसेवी के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे जस्ट बगल में राहुल रोमी जी हैं, ये अभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और एक बहुत उमदा किस्म के अपना क्लिनिक चलाते हैं और भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हमारे बगल में एक व्यवसायी मंजीत कुमार और इनको कला में भी बहुत रुचि रहता है, ये छोटा सा एक एक्टिंग वगैरह भी करते रहते हैं, इनका कोई वीडियो भी आ चुका है जो इनके प्रेमी लोगों में दे सकते हैं। मैं रुपेश भाई हैं, एक अर्थशास्त्री के रूप में दिल्ली में अपनी पहचान बना चुके हैं और दिल्ली के एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से यहीं से वर्क फ्रॉम होम के रूप में काम कर रहे हैं। उनके जस्ट बगल में रविशंकर जी हैं, जो हमारे पुराने समय से पहलवान के रूप में काम किए हैं और गोला फेंकने से लेके बड़े बड़े जो है उसका उस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। अभी प्रमुख व्यवसायी के रूप में शहर में अपना पहचान बना के काम कर रहे हैं, बहुत सफल व्यापारी हैं। उनके जस्ट बगल में रविशंकर टू हैं, ये रविशंकर जी कालीबाग से आते हैं, ये भी आप व्यापार में जुड़े हैं और अच्छा और इनकी सरकारी नौकरी भी लग चुकी है। एक और बात बता दें, सरकारी नौकरी लग चुकी है और बस अब कुछ ही दिन में ज्वाइन भी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए। हमारा स्कूल काफ़ी आगे ऐसे ही बढ़ता रहे और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, और क्या शुभकामना चाहिए। एक बार आप लोग हाथ हिला दीजिए, कुछ जयकारा लगाइए महादेव का कम से कम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।